चिकन रेड करी बनाने जा रहे हैं, थाई रेड करी, जिसमें हम चिकन के साथ बनाएंगे। चिकन लिए हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये जुकनी है, और हरा प्याज है, और ये मिंट लिप है, दूध है, और नारियल, नारियल को पीस के इसका दूध निकालेंगे। तो हम बना रहे हैं, आप देखिए, इसको पहले सूखा ग्राइंड करेंगे, उसके बाद फिर इसको इसमें दूध डाल के ग्राइंड करेंगे। हम प्रेस से इसका बना रहे हैं, कोकोनट ऑयल किया है, अब इसको इसी तरह रहने देंगे, हम बनाते हैं फिर इसको डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये हम गोभी भी डाल रहे हैं, गोभी लिए हैं, 3-4 फूल गोभी है, जुकनी है, हरा प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ये मिंट लीफ है, ये कोकोनट वो ताजा को पीस के हम मिल्क निकाले। तेल गरम हो गया है, इसमें लाल मिर्चा डाल रहे हैं, दो जीरा डालेंगे, और हींग, एक थाई रेड करी पेस्ट डाल रहे हैं इसमें, ये रेडीमेड आप घर में भी बना सकते हैं इसको। 1 किलो के अंदाज में पूरा डालना पड़ता है, हम कम बना रहे हैं इसलिए कम डाल रहे हैं। अब इसमें नारियल कोकोनट मिल्क जो है वो डाल देंगे पूरा। नमक डालेंगे, और ये सब्जी सब अब डाल देंगे, शिमला मिर्च, गाजर, जुकनी, गोभी, और ये चिकन, सबको डाल के इसको पकने देंगे ढक के। अगर इसको करी को और थोड़ा आपको रेड करना है तो इसमें कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं आप, और तीखापन अपने स्वाद अनुसार आप डालिए इसमें। थोड़ा कश्मीरी मिर्च हम कलर के लिए डाल रहे हैं, रेड थाई करी है इसलिए थोड़ा कलर रेड होना चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा डाल दिए। स्प्रिंग ओनियन है, इसको भी हम डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। और सिम पर इसको पकने देते हैं, उसके बाद आपको फिर हम दिखाते हैं। थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको पकने देते हैं सिम पर, देखिए हो गया है, इसको अब सर्व करके आपको दिखाते हैं। हम ग्रीन थाई करी भी बनाए हैं, मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा बन गया है, इसको आप गला नहीं है, बहुत ही अच्छा से पक गया है, इसको गलाना नहीं है ज़्यादा, सब हम फ्राई नहीं किए हैं सब्जी को, सब रॉ सब्जी ऐसे ही डाले हैं, चिकन फ्राई नहीं किया है,
थोड़ा सा तेल डाल के मसाला और कोकोनट मिल्क को हम मिला लिए हैं और उसी में डाल दिए हैं। तो ये बहुत हेल्दी होता है, आप भी बनाइए खाइए। शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। बहुत हेल्दी है, इसमें कोई ये ऊपर आप जो देख रहे हैं वो कोकोनट मिल्क डालने से इस तरह का कलर आया है। ऊपर से स्प्रिंग ओनियन कटा हुआ डाल रहे हैं गार्निश के लिए। और थोड़ा मिंट लीफ, ये आप ब्रेड के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए। बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और मेरे चैनल पर ग्रीन करी भी डाला हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।